सहज योग का अर्थ होता है कृत्रिम ना हो, स्वाभाविक रहो, अपने ऊपर आदर्श मत हो, आदर्श पाखंड लाते हैं। आदर्शों के कारण विकृति पैदा होती है, क्योंकि कुछ तुम होते हो, कुछ तुम होने की चेष्टा करते हो, तनाव पैदा हो जाता है, फिर तुम जो हो वह दब जाता है उसमें जो तुम होना चाहते हो, इसी का नाम पाखंड है। सरहपा कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही जियो। जरा सोचो, जरा इस पर ध्यान करो, तुम जैसे हो वैसे ही जियो, जो परिणाम हो। धोखा ना दो, अपने को अन्य मत बतलाओ। अगर झूठ बोलते हो तो कह दो कि मैं झूठा हूँ, और भाई मेरे मुझसे सावधान रहना, मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ ही मेरी चर्या है, इसलिए कोई मेरा भरोसा न करे। कोई भरोसा करे तो उसकी जोखिम वह जाने। मैं झूठ बोलता हूँ, जरा सोचते हो ऐसा जो आदमी कह सके, क्या वह सच्चा नहीं हो गया? इस कहने में ही सच्चा हो गया। इससे बड़ी और सच्चाई क्या होगी कि चोर आकर तुमसे कह जाए कि रात जरा सावधान रहना, कि मेरी नजर तुम्हारी तिजोरी पर लगी है, कि मैं आदमी चोर हूँ, कि मैं आदमी भला नहीं हूँ, कि मैं लाख दोस्ती बनाऊ, तुम सचेत रहना। ऐसा चोर चोर है, ऐसा चोर साधु हो गया। इस चोर ने अपनी स्वाभाविकता को उद्घोषित कर दिया, इस चोर ने अपनी निजता को प्रकट कर दिया। अब यह असाधु कैसे हो सकता है? इसका पाखंड न रहा। फिर एक आदमी है जो दावा तो सच बोलने का करता है और अड़ में झूठ बोलता है। जिनको भी झूठ बोलना है उन्हें सच बोलने का दावा करना होता है, नहीं तो उनका झूठ मानेगा कौन? इसलिए झूठ बोलने वाला बार बार दोहराता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि सच कह रहा हूँ। जब भी कोई आदमी बहुत कसम खाने लगे कि मैं सच कह रहा हूँ, तो सावधान हो जाना, क्योंकि यह झूठे का लक्षण है। सहज योग का अर्थ होता है मत करो जटिल, मत बनो झूठ, क्योंकि तुम जितने झूठ हो जाओगे उतने ही दुखी हो जाओगे। झूठ दुख लाता है, क्योंकि झूठ के कारण तुम्हारा संबंध सत्य से छूटने लगता है, टूटने लगता है। यह अस्तित्व सत्य है, इसके साथ सत्य हो जाओ तो तुम्हारा संगीत जुड़ जाए, तो तुम्हारी सरगम बैठ जाए। तुम इसके साथ सत्य हो जाओ तो ही तुम्हारा छंद बैठेगा, और तुम्हारे जीवन में नृत्य होगा, उत्सव होगा। इसके साथ तुम सत्य हो जाओ तो इसके साथ लीन हो जाओगे, और उसी लीनता में समाधि है। और अगर तुम झूठ रहे तो तुम अलग थलग रहोगे, झूठ बोलोगे ज्यादा देर नहीं चल पाएगा, चल ही नहीं सकता। झूठ को चलना भी पड़ता है तो सच के पैर उधार लेने पड़ते हैं, और सच के पैर और झूठ की देह, इन दोनों के कारण तुम्हारे जीवन में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है। और एक झूठ नहीं हजार झूठ है, इसलिए हजार द्वंद्व पैदा हो जाते हैं। इन्हीं द्वंद्वों में ग्रस्त व्यक्ति नर्क में जीता है। सहज योग का अर्थ होता है छोड़ो ये द्वंद्व, छोड़ो ये जाल। तुम जैसे हो वैसे अपने को स्वीकार कर लो, मत दिखाओ वैसा जैसे कि तुम नहीं हो, जाने दो सब पाखंड। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण नग्नता में अपने को स्वीकार कर ले तो क्या हो, क्रांति घट जाती है। सहज योग का अर्थ होता है तुम जैसे हो तुम्हें अंगीकार है, परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया है इसमें तुम रत्ती भर हेर फेर नहीं करना चाहते हो। तुम परमात्मा से अपने को ज्यादा बुद्धिमान सिद्ध नहीं करना चाहते हो। परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया है, उसने तुम्हें जैसा रंगा, वही तुम्हारा रंग है, वही तुम्हारा ढंग है। तुम उससे अन्यथा होने की न आकांक्षा करते हो, न सपना देखते हो। सहज योग परमात्मा के प्रति अनुग्रह का बोध है। सहज भाव से परमात्मा को पुकारना, बिना किसी क्षुद्र आकांक्षा से भरे चुपचाप जीवन में बहे जाना, तैरना नहीं, संघर्ष नहीं करना, नदी जहां ले जाए उसी तरफ चलना, क्योंकि सभी नदियां अंततः सागर पहुंच जाती हैं। अगर कोई चुपचाप बहता चले तो परमात्मा मिलना सुनिश्चित है। परमात्मा मिला ही हुआ है, तुम बहो कि अभी अनुभव में आ जाए। तुम जरा विश्राम करो, मगर तुम बड़े जद्दोजहद में लगे हो, तुम बड़ी दौड़ धूप कर रहे हो, आपाधापी में पड़े हो। तुम्हारी आपाधापी और दौड़ धूप के कारण जो तुम्हारे भीतर बैठा है वह दिखाई नहीं पड़ता। तुम इतने उलझे हो, इतने व्यस्त हो कि उसे देखो ही कैसे जो मौजूद ही है। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए परमात्मा को पाना नहीं है। पाने की दौड़ छोड़कर जरा बैठो और परमात्मा का अनुभव शुरू हो जाता है। हम शाश्वत नीर बनाने में लग जाते हैं, वही भूल हो जाती है। जीवन प्रवाह है, शाश्वत मत नीर बना यायावर प्राणों के। जीवन एक सरित प्रवाह है और हम जगह जगह पकड़ लेते हैं, जोर से पकड़ लेते हैं, आसक्त हो जाते हैं, नीर बनाने में लग जाते हैं, शाश्वत नीर, जैसे यहाँ सदा रहना है। सहज योग कहता है यहाँ कुछ भी सदा रहने को नहीं, सभी बहा जा रहा है, प्रवाहमान है, सब क्षण भंगुर है। पकाओ मत, जियो, और जो चला जाए उसे जाने दो, ताकि जो नया आ रहा है उसके
लिए तुम्हारा हृदय खाली हो, खुला हो। बीते कलों का हिसाब मत रखो और आने वाले कलों की चिंता मत करो। आज जो आया है इसे नाचो, इसे गाओ, इसे गुनगुनाओ। और इसी गीत में प्रार्थना पूरी हो जाती है। इसी गीत में सिद्धों का सहज योग सद गया, जैन फकीरों का क्षण बोध सद गया। ये एक ही घटना के दो पहलू हैं। सहज योग सरहपा तिलोपा वाणी।